नमस्ते, मैं पवन यादव। तो आज एक बात बार बार आ रही है मेरे को, ये बात काफ़ी लोग कह चुके हैं कि आपकी जो बातें हैं ज़्यादा हायर लेवल की होती हैं, समाज के लोगों को, आम लोगों के बातें समझ में नहीं आती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये सारी बातें हाई लेवल की है। अब समाज में जैसे अगर एक बच्चा है, वो ABCD पढ़ रहा है, फर्स्ट क्लास में है, तो बात हमारी PhD की है, तो जो पहली दूसरी क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कैसे समझ में आएंगी? तो धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ये कुदरत की बहुत, ये भक्ति नहीं है, ये परम सत्ता की साइंस है, परमात्मा की साइंस है। कैसे वो परमात्मा इसको चला रहा है उसको जानने का एक मौका है। और ये मेरे वीडियो उनके लिए हैं जो ब्रह्म पदवी को प्राप्त करना चाहते हैं, परम सत्ता परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए है, ना कि डांस देखने वालों के लिए, जो समाज की बातों में ज्यादा उलझे रहते हैं उनके लिए, न्यूज ज्यादा देखने वाले, जो डिफेंस आर्मी की बातें ज्यादा देखते हैं, न्यूज ज्यादा देखते हैं, उनके लिए नहीं है। जो मालिक तक पहुंचना चाहते हैं, मालिक कैसे इस दुनिया को चला रहा है, ये कुदरत कैसे चल रही है, उनके लिए है। बाकी निचले लेवल के लिए भी इसको देख सकते हैं, तो नीचे लेवल के लिए हम वीडियो यहाँ नहीं बना सकते। ब्रह्म पद दुनिया का सबसे ऊंचा पद है, उसको पाने के लिए ही बड़ी बातें तो की जाएंगी ही, ऊंचे लेवल की बातें की जाएंगी, छोटे लेवल की बातों से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए तकरीबन वीडियो, वैसे भी मैं 1.5-2% बातें आपको बताता हूँ, 98% तो मैं आपको बताता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता आपको समझ में नहीं आएगी। काफी मेरे प्रिंसिपल थे दोस्त, लेक्चरर दोस्त थे, काफी पढ़े लिखे BSc डॉक्टर वगैरह दोस्त थे, वो भी कहते हैं कि भाई बातें कम समझ में आती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कम समझ में आएंगी ही, क्योंकि आपके लेवल से ज्यादा ऊंचे लेवल की बातें हैं। ये साइंटिस्ट को भी कम समझ में आती हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे हुए, डॉक्टर भी यहाँ पे नहीं पहुंचे हुए। अभी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो भी इस ज्ञान को पाने के लिए तरसते हैं। ये साइंस है, जहां तक हमारी साइंस पहुंची है, ये उससे ऊंचे लेवल की साइंस है। और 2% मैं इसलिए बताता हूं, क्योंकि अगर 98% बता दिया और ये वीडियो हाथ लग गए, तो ये वीडियो का कोई भी मिसयूज कर सकता है, क्योंकि दुरुपयोग कर सकता है, दुरुपयोग किसी का बुरा कर सकता है, किसी को सम्मोहित कर सकता है। अब देखा होगा, जिसके पास शक्तियां आती हैं वो क्या करता है, मारने के लिए प्रयोग करता है किसी को, या किसी को सम्मोहित करने के लिए, किसी को मेंटली अपसेट करने के लिए, या पैसे कमाने के लिए ये इनका उपयोग करता है। इसलिए 2% बातें ही बताई जा रही है, 98% नहीं बताई जा रही है, वो 2% भी समझ में नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये है, और मैं बीच बीच में काफी लोगों को इशारे भी करता रहता हूँ कि भाई संभल के चलना चाहिए इन शक्तियों से, इनका आदमी ये दिमाग को भ्रमित कर देती हैं। तो ये साइंस है जो कि अभी डॉक्टरों को समझ में नहीं आई है, और ये विज्ञान है जो साइंटिस्ट को भी, वैज्ञानिकों को भी अभी समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये परमात्मा की साइंस है, ये कुदरत का ज्यादा गहरे राज है। जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही तेजी के साथ शक्तियां काम करती हैं, और उतनी ही तेजी के साथ सारे काम होते हैं। मैं भी इनका कभी प्रयोग नहीं करता हूं, मैं भी इनमें रुचि कभी नहीं लेता हूं, फिर भी आपको बताने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई डांस वगैरह देखने हैं, कोई धार्मिक बातें सुननी हैं, तो और आप इधर उधर के चैनल देख सकते हो, और अगर आपको परम सत्ता प्राप्त करनी है, वो मालिक के आपको प्राप्त करना है, और तो आप ये वीडियो आपके लिए हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे समझ में, ऊंचे लेवल की बात है, काफी लोगों को नहीं आ पा रही है, आपको रेगुलर वीडियो देखने वाले को आ जाती है। अब शुरू शुरू में तो क्या होता है, बोरिंग सी ही महसूस होगी, धीरे धीरे इंटरेस्ट पैदा होने लगेगा वीडियो में। तो ये बच्चों के लिए नहीं है, उन बच्चों के लिए, बच्चे वे होते हैं जो कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते रहते हैं, आज जमीन पे झगड़ा कर रहे हैं, आज दहेज पे झगड़ा कर रहे हैं, आज समाज में, पंचायत में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आज नेता के साथ उठ बैठ ज्यादा करनी है, आज पैसे ज्यादा कमाने हैं, आज आर्मी में बहुत बड़ा ऑफिसर बनना, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि अपना टाइम निकाल करके थोड़ा बहुत
परम पद को प्राप्त होना चाहते हैं। और हाँ हाँ बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, मालिक सर्वदा हर जगह विद्यमान है, आप उनको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण गुरु के सानिध्य में ही ऐसा हो सकता है। और ब्रह्म पदवी की बातें ऊंचे लेवल की ही होंगी, निचले लेवल की उम्मीद थोड़ी कम रखो उनसे। तो मैं आपको अलग करने की कोशिश करता हूँ, अपने वीडियो में आपने भी देखा होगा कि इनमें ज़्यादा सामाजिक बातों में थोड़ा सा टाइम निकालो, अलग हो जाओ सामाजिक बातों से। और क्या ये शादी वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, शादी होगी हर जगह वहीं पर पहुँचे रहते हैं, शादियों में ही जाए रहते हैं, तो कोई खास ज़रूरी होती है तो वहाँ शादियों में तो जाना ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मैसेज आ गया वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो समाज की व्यर्थ बातों से टाइम निकाल करके और तो ही इस पद को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा ये पद प्राप्त नहीं होता है। थोड़ी सी ये और इसमें कड़वी बातें भी कही जाती हैं, क्योंकि गुरु का काम होता ही है कि जहां आप अटके हुए हो, जिन सामाजिक बातों में, जिन न्यूज़पेपर में, जिन सामाजिक कार्यों में, पंचायत में, जहां आप अटके हुए हो वहां से बाहर निकालना। शुरू शुरू में तो बुरा लगेगा ही, मैं कॉलेज में जाता था बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी कमी बताता था तो उनको बुरा भी लगता था। तो हम सब जहां पे अटके हुए हैं, जब उनसे बाहर निकालने की गुरु कोशिश करता है तो नेचुरली बात है बुरा तो लगेगा, इंटरेस्ट तो पैदा होगा। तो आपको बात में समझ में आ गई होगी कि मेरे वीडियो ब्रह्म पदवी के लिए हैं, बाकी छोटे मोटे इन चीज़ों के लिए नहीं हैं। आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे, आप अच्छे इंसान हैं, आपको अच्छा फायदा।